हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले हमने म्यूचुअल फंड का एनालिसिस का पूरा सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। उस म्यूचुअल फंड एनालिसिस के सीरीज में हमने जाना है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के अलग अलग कौन से टाइप्स होते हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड को किस वेबसाइट पर जाकर ढूंढे और उसे ढूंढकर कैसे एनालिसिस करके एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। आशा है कि वह म्यूचुअल फंड का सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप भी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के उस पूरे सीरीज को जाकर जरूर देखें, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज से हम एक स्टॉक मार्केट का नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और मेरा पहला सीरीज रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट में नया थे, मतलब कि जब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीख रहे थे, तो यूट्यूब पे आते थे किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपको यह बताया जाता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि कैसे करना चाहिए। जैसे कि आपको यह तो बताया जाता है कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट का प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि उस मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए डेटा कहाँ से लाएं। और आपको यह भी बताया जाता है कि किसी भी कंपनी के सेल्स, अर्निंग, नेट प्रॉफिट, फ्री कैश फ्लो, इन सभी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि इन सभी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में हम इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। जिस तरह हम म्यूचुअल फंड एनालिसिस के सीरीज में हर एक म्यूचुअल फंड के साइट पे जाकर उसको डिटेल में एनालिसिस करना सीखा था, ठीक उसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में भी हम अलग अलग साइट पर उस डेटा को निकालना भी सीखेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में हम एक एक फाइनेंशियल रेशियो और एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि एनालिसिस क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस के अलग अलग कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमें किन किन मेन फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप मेरे वेबसाइट mksfinance.com पर जाकर स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आइए फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि एनालिसिस क्या होता है। तो एनालिसिस का हिंदी में मतलब विश्लेषण करना होता है, और इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज को उसके डिफरेंट एलिमेंट में तोड़ना और फिर खुद को कुछ निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए क्यों और कैसे जैसे इम्पोर्टेंट सोच वाले प्रश्न पूछना होता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में एनालिसिस दो प्रकार से किया जाता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक कंडीशन, इंडस्ट्री कंडीशन और कंपनीज के फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल कंडीशन और अन्य क्वालिटी और क्वांटिटी फैक्टर्स को एनालिसिस करके उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने का एक तरीका है। फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड एक्सेट्रा को एनालिसिस करके उसके रिस्क और रिटर्न को मापने का एक तरीका है। साथ ही फंडामेंटल एनालिस्ट उन सभी फैक्टर्स का स्टडी करते हैं जो किसी भी सिक्योरिटीज के वैल्यू को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हमें चार्ट का स्टडी करके किसी भी स्टॉक का उसके प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझकर उसमें कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन करना होता है, जिसे हम आगे टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में डिटेल में सीखेंगे। तो आइए हम फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, एक क्वालिटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटिव एनालिसिस। तो क्वालिटिव एनालिसिस में वैसे फैक्टर का एनालिसिस किया जाता है जिसे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं, और क्वांटिटिव एनालिसिस में वैसे फैक्टर्स का एनालिसिस किया जाता है जिसे हम नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्वालिटिव एनालिसिस में और क्वांटिटिव एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। क्वालिटिव एनालिसिस में हमें कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करनी होती है, जैसे कि कंपनीज का मैनेजमेंट इथिक्स को फॉलो करती है या नहीं, कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझना और फिर बिजनेस को समझने के बाद उसके बिजनेस मॉडल को केयरफुली जज करना कि क्या फ्यूचर में ये पार्टिकुलर बिजनेस या बिजनेस मॉडल कंपनी को इफेक्ट तो नहीं करेगी, कंपनी का जो ये बिजनेस मॉडल है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट एवं सर्विसेज का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में अभी क्या डिमांड चल रहा है और इसकी फ्यूचर में डिमांड रहेगी या नहीं, मार्केट में उस कंपनी का ब्रांड इमेज क्या है, क्या उस कंपनी पर कोई FIR तो नहीं हुई थी या फिर प्रेजेंट में कोई FIR तो नहीं चल रही है। साथ ही हमें कंपटीटर का भी एनालिसिस करना होता है, मार्केट में हर एक कंपनी का कोई ना कोई कंपटीटर जरूर होता है। बेसिकली दो कंपनीज अगर सेम काम कर रही है तो वो एक दूसरे का कंपटीटर कहलाएगी, तो आपको उसी कंपटीटर का एनालिसिस करना होता है कि क्या वो हमसे, मतलब कि जिस भी कंपनी का आप एनालिसिस कर रहे हैं उससे अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। अब हम क्वांटिटिव एनालिसिस के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली क्वांटिटिव एनालिसिस में भी अलग अलग कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे कि फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्ट।
तो आइए अब हम इन तीनों टर्मिनोलॉजी को डिटेल में समझ लेते हैं। पहला नंबर पर है फाइनेंशियल रेशियो। तो किसी भी कंपनीज के बारे में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिए गए न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करके फाइनेंशियल रेशियो बनाए जाते हैं, जो कि हमें कंपनीज का शॉर्ट एनालिसिस करने में मदद करती है। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक लिखित रिपोर्ट होता है जो किसी भी कंपनीज के बिजनेस एक्टिविटी और उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को व्यक्त करता है। उसके बाद है फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐड करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है, और उस रिपोर्ट को जब सेबी और इन्वेस्टर को प्रेजेंट किया जाता है तो उसे ही हम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। तो आइए इन सब में क्या क्या होता है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फाइनेंशियल रेशियो में बेसिकली पीई रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर, ROE that is return on equity, ROA that is return on assets, ROC that is return on capital employed, ये सभी रेशियो आ जाते हैं जिसे हम आगे डिटेल में कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्वार्टरली रिजल्ट, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में बेसिकली कंपनी को दिया गया रेटिंग है, उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट आ जाता है, साथ ही इन्वेस्टर के लिए प्रेजेंटेशन आ जाता है, और उसका अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल जिसे हम कॉन कॉल रिपोर्ट भी कहते हैं आ जाता है, और इन सभी को ऐड करके जो एक रिपोर्ट बनता है वो है एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनीज के एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम आगे सीखेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस को करने के लिए दो अप्रोच होते हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच में बेसिकली किसी भी कंट्रीज का पहले इकोनॉमी को एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद इंडस्ट्री का, और उसके बाद सेक्टर का एनालिसिस करके लास्ट में किसी भी कंपनीज का एनालिसिस किया जाता है। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में पहले किसी भी कंपनी का एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद वह कंपनी जिस सेक्टर में उस सेक्टर का, और उसके बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस किया जाता है, और सबसे अंत में जाकर इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाता है। देखिए इंडस्ट्री और इकोनॉमी का एनालिसिस तो हाई लेवल का एनालिसिस है, इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस के इस सीरीज में हम बॉटम अप अप्रोच का यूज करेंगे, जिसमें हम पहले कंपनीज का एनालिसिस करना सीखेंगे, उसके बाद सेक्टर का, उसके बाद इंडस्ट्री का, और लास्ट में जाके हम इकोनॉमी का भी एनालिसिस करना सीखेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमने अभी जिन जिन रेशियो के बारे में डिस्कस किया है उन सभी रेशियो को आने वाले अगले एपिसोड में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, और साथ ही उसे कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।